क्या हो गया? ये डाइकोट होता है कि मोनोकोट? भाई डाइकोट होता है। नहीं, ये मोनोकोट सीड होता है। ये डाइकोट होता है भाई। देख भाई देख, ये मोनोकोट सीड होता है। देख इसमें से दूध तो नहीं निकलने, मतलब ये डाइकोट है। तेरे को कैसे पता कि मोनोकोट होता है कि डाइकोट होता है? रुक जा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। रुक जा, अभी मैं पूछवाता हूँ नुया से। मनुया डराओ आप, पूछवा दी मनुया डरा ना। देखो भाई ये डाइकोट क्यों होता है? नहीं भाई ये मोनोकोट ही तो होता है। हाँ क्या हुआ? ये भैया ये कह रहा है ये भाई ये डाइकोट होते हैं ना? नहीं ये मोनोकोट होते हैं। पहले ये बताओ कि मोनोकोट सीड होते कौन से, तुम्हें क्या लगता है? जो सिंगल पार्ट में रहते हैं उन्हें मोनोकोट सीड कहते हैं। अरे नहीं भाई, जो डाइकोट सीड वो होते हैं जो टू पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। अच्छा अब देखो मैं तुम्हें बताऊं, पहले ना ये देखो, ये अपना जो सीड है ठीक है, इसके ऊपर हमारा क्या होता है, एक कवर होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, सीड कोट। ठीक है, ये हमारा दो पार्ट में आसानी से डिवाइड हो जाता है। जैसे ना ये देख, ये अपना जब अपन इसे डिवाइड करते हैं जो आसानी से ना दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ये चीज ना ये आसानी से दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, ऊपर से तो लगता है ये एक ही सीड है, लेकिन ये आसानी से दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो यानी कि इस ये दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो यानी कि ये मोनोकोट हुआ कि डाइकोट हुआ? डाइकोट। अब समझ में आया कि ये मोनोकोट होता है कि डाइकोट? कैसा लगा? ये डाइकोट ही होता है, मैंने कहा था ना। थोड़ा मुस्कुराने दो भैया, और भी तो एग्जांपल होते होंगे इनके। हाँ हाँ, जैसे ना देखो मोनोकोट सीड होते हैं, तुमने देखा होगा चावल जो होते हैं, चावल भी क्या हुआ सीड ही होता है, वो अपन उसमें दो पार्ट में डिवाइड नहीं होता वो आसानी से। ठीक है, वो मोनोकोट पार्ट होता है, वो मोनोकोट सीड होता है। ठीक है, चावल है तुम्हारा, वीट के हैं, वो अपने कैसे होते हैं, मोनोकोट होते हैं। ठीक है, और वहीं पे हमारे डाइकोट के एग्जांपल जैसे कि हमारा ग्राम का सीड होता है, मटर देखिए, मटर पी होती है, वो भी देखे ऊपर से क्या लगता है कि वो एक ही है, लेकिन अब अपन उसे खोलते हैं, उसका सीड कोट हटाते हैं, तो वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, यानी कि वो डाइकोट सीड है। तो ये उसके एग्जांपल होते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा ना। यस भैया, जा रहे हैं उनको सोच, थैंक यू तो बोल दे, उनने हमारी कंफ्यूजन ठीक किया। थैंक यू भैया। कोई बात नहीं, समझ में आया ना? यस चलो ठीक है, अब चलो अपना काम तो कर लिया। चलो अब मेरी प्रॉब्लम तो सॉल्व हुई, मैं जाऊं घर। काम तो कर लिया भाई, काम रह गया। अरे यार मैं भूल गया था। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।